अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम अली उर्फ साकिर, साकिर के नाम से मेरे को जानते हैं। मैं हूँ ऑटो ड्राइवर, मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं यहाँ से बचपना मेरा काले पत्थर में गुजारा था। मेरे वालिद साहब वालदा का भी इंतकाल हो गया, मेरी शादी हो गई 10 साल हो रहा, 2014 में मेरी शादी हुई, तो मेरा बच्चा ही 8 साल का है। अब मेरी बीवी जो है गलत हरकत करके 3 महीने हो रहा, किसी और के साथ अफेयर था उसका, तो उन्हें जो है फलाने आदमी को घर पर बुलाई, तो मैं उसको पकड़ लिया रंगे हाथ पकड़ के काले पत्थर पीएस में हैंड ओवर कराया। उसके भाई को भी बुलाया, उसका भाई आया, उन्हें आया पीएस में, बोले ठीक है क्या करना है, तुम लोगों के हिसाब से खुला देते, तलाक देते करो, बोले तो उन लोगों का खुले जा के बुलाए थे, नहीं गए, उन आए नहीं, वो हुआ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने साहब, अब मेरे 4 बच्चे उन्होंने लेके गए थे, 4 बच्चे लेके गए थे, 4 बच्चों में से क्या करें, 7-8 दिन के बाद में 2 बच्चों को ला के मेरे घर पर छोड़ के गए, 2 बच्चे मेरी बहन के घर पे बाहर छोड़ के गए, और वो मासूम बच्चों को मैं लेके जी रहा हूँ। उसके बाद में ये बच्चा है और एक बड़ा बच्चा मेरा 8 साल का, वो बच्चे को क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मारने के लिए कर रहे हैं, दोनों मिलके मारने गए थे, और बच्चे की नली मत दिए, बच्चा मरने के ऐसे डर से उसकी आवाज़ बैठ गई। वो बच्चा मेरे को आज फ़ोन करा, मैं आज वो बच्ची ले गई हैंड ओवर करके, तो पी एस में लेके आया, तो पी एस में यहाँ कंप्लेंट नहीं लेते, साईनगर का है, मल्लापुर पी एस की जॉब है, बच्ची सुबह से मल्लापुर पी एस में सुबह से है, उन लोगों को फोन आ कर रहे तो आ रहे नहीं, वहाँ दोनों दिन आ रहे, क्योंकि उसका खुला नहीं हुआ, उन्हें आते भी नहीं, और वो आदमी नाजायज ज़िंदगी के साथ जी रहा। पलट की जो है वो औरत को साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी औरतों की सख्ती होना, क्योंकि ये और एक है ऐसे 1000 होती, इसको समाज में यह गंदगी को ख़त्म करना, क्योंकि इन्हें औरत मरने की भी नहीं है, फिर अगर ऐसी इज्जतदार रहती तो इन्हें मरती थी, वो भी काम नहीं करती, और हमको मारने का मरने का कुछ भी नहीं इसके पास। हमारे को यही बोलना है कि मेरे 4 बच्चे हैं ना, उस 4 बच्चों को मेरी ज़िंदगी में दे दो, मैं मेहनत करता हूँ, मेरे बच्चों को मैं पाल दूँ। ऑलरेडी 2 बच्चे जो है ना पल रहे हैं, ऑलरेडी 2 बच्चों में गवर्नमेंट स्कूल में शरीक आया, और 2 बच्चे भी अरबी पढ़ रहे हैं, ये बच्चे को अरबी है ना दीनी तालीम में भीख मांगने लगा रहे बच्चे से,